अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद और सना तो बाद हुजूर नबी अकरम शफी मुअज्जम दरदार बतहा सरवर कायनात अहमद मुर्तबा जनाब हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम दी करीम बारगाह दे दुरूदों दे गुजरे पेश करने दे बाद अर्दिगे तकरीबे साईद मोहतरम मकाम जनाब बाबा जी मुहम्मद बशीर साहिब उन्हां दे चालम शरीफ दी खत्मे पाक दे महफिल पाक ते तुसां ते मैं सब हाजिर हां। दुआ है रब तआला तुहाडी मेरी अर्दाना हाजरी कबूल फरमाए। मोहतरम मकाम जनाब भाई मुहम्मद नदीम साहिब रब तआला उन्हां दा एहतमाम करना इंतजाम करना इंसराम अपनी पाक बारगाह कबूल फरमा लवे। मेरे तो पहले तुसां ने सना खाना ने मुस्तफा नूं भी समात फरमाया और नकीब मिलत इस्लामिया शहनशाह नकाबत मोहतरम मकाम जनाब हाफिज मोहम्मद मोहसिन साबरी साहब का मुबरकात मुला लिया आप हुजूर भी समात किया। इफ्तारी का वेला करीब है लंबी चौड़ी तकरीर का वेला नहीं बाप की अजमत से चंद गोशे अर्द करांगा। कुरानी मजीद सूरह बलद की बड़ी मारूफ आयत पाक पढ़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया वा वालिदिन वा मा वलद पंजाबी और सादा जिहा तर्जमा अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैनू बाप की कसम ते उहदे बेटे की कसम। तुसा जरा अगे अगे तशरीफ लो जगह जी पुर हो जाए ताकि जो बाद लोग आने उन्होंने अगे बैठने की जगह मिल जाए। जल्दी जल्दी अगे आ जाओ जल्दी जल्दी है इतने वोटिंग तो करनी कोई नहीं ना सलाह मशवरा करना है ना कोई स्टाम होना इतने जल्दी जल्दी तुसी मजीद अगे आ जाओ पिछली जगह खाली हो जाए तो जेडे हबाब हूँ आएंगे उन्होंने बैठने वास्ते जगह मिल जाए ताकि सारी महफल डिस्टर्बिंग ना हो। महफले पाक का आगाज है लंबी चौड़ी तकरीर नहीं हूँ जिन्हें जाना है उठ के बाहर जा सकता है हूँ तकरीर के दरम्यान कोई बंदा उठे ना बई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेनू बाप की कसम ते उते बेटे की कसम। मुफसरीन ने काफी सारे अकवाल नकल फरमाए कि बाप तो मुराद कौन है बेटे तो मुराद कौन है। बास ने इरशाद फरमाया कि बाप तो मुराद हजरत इब्राहिम की जात है और बेटे तो मुराद हजरत इस्माइल की जात है। बास मुफसरीन ने फरमाया कि इत्थे बाप तो मुराद कमली वाले दी जात है। वैसे कुरान दी नस है मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबियीन कि मुहम्मद तुहाडे मर्दां चो किसे दे बाप नहीं। इस तो मुराद हकीकी बाप नहीं यानी जड़ा मुफसरीन ने लिखिया क्योंकि एक रवायत दी ताईद मिल जाती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुहानू शरीयत सिखाने च मैं तुहाडे बाप दी मिसल हां जिवें बाप अपने बेटे नूं दुनियादारी सिखांदा मैं मुहम्मद तुहानू दीन सिखाना वा। मुफसरीन फरमांदे ने बाप तो मुराद हुजूर दी जात और बेटे तो मुराद उम्मत मुहम्मदिया। बाज ने इरशाद फरमाया कि इत्थे बाप तो मुराद हजरत इब्राहिम दी जात है और बेटे तो मुराद तमाम रूह इंसानी हजरत आदम की औलाद। बाज मुफसरीन ने फरमाया कि बाप तो मुराद हर बाप है और बेटे तो मुराद हर बेटा है। बरकैफ अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैनू बाप की कसम ते उहदे बेटे की कसम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लम यलिद वलम यूलद फरमा अल्लाह का बाप भी कोई नहीं अल्लाह का पुत्र भी कोई नहीं। अल्लाह वाहिद अहद ना किसी के बिचू जमे आए तो ना उनके बिचू कोई जमे आए। अल्लाह की बड़ी शान उते पा के ना खला के अर्जो समाए जमीन का तखलीक करने वाला आसमान का तखलीक करने वाला। और रब ने इरशाद फरमाया वा वालिदिन वा मा वलद मैनू बाप की कसम ते उहदे बेटे की कसम। अगर तमहीद वाली चला जावां ते गल्लां मजीद लंबी हो जाणगियां। मेरा दिल करदा मैं बिला तखीर तकरीर शुरू करां जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो ना ना बिल्कुल नहीं बई उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ये रोजे सारयां दे सांझे ने बई जे तुहाडा रोजा है ते मेरा भी है। जे अगर मेरा कोई छुटाके खून लगे ते कोई चुटाके का चौथा हिस्सा तो तुहाडा भी लगना चाहिए यार। ए हुण तो इफ्तारी का वेला है मेरे नबी का फरमान लिसाइम फरहतान फरहतुन इंदा इफ्तारी व फरहतुन इंदा लिका रब्बी। हुज़ूर फरमाते ने रोज़ादार वास्ते दो खुशियां ने एक इफ्तारी वेले एक रब नाल मुलाकात दे वेले ते उन्हां विचों एक खुशी मिलन वाली है ते उस खुशी दे सदके खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह। ये जिहड़ा तुसीं सुभान अल्लाह बोलना ना कबर दे विच बाबा जी बशीर साहिब नूं साडी तरफों तोहफा मिल जाएगा। उन्होंने पता होगा मेरा बेटा मेरा भतीजा भांजा फला रिश्तेदार फला मेरा बेली आया सी ते सुभान अल्लाह दा उन्हें मैनूं तोहफा भेजा है।
आम दिनों एक लफ एक हरफ नाल दस नेकियां मिलदियां ते रमजान शरीफ 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। तो तुसी सुन ओ सोच लो कि फिर कितना ज्यादा सवाब बाबा जी बशीर साहब नूं मिलेगा अगर तुसी बोल दे रहे सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम मेरी शाल फरमा बाबा री दूं वा मैं वलद अल्लाह ने इरशाद फरमा मेनू बाप की कसम है मैनू ओदे पुत्र की कसम है। सूरह इखलास दे विच अल्लाह ने इरशाद फरमाया लम यलिद व लम यूलद अल्लाह फरमाया अल्लाह का बाप भी कोई नहीं ओदा पुत्र भी कोई नहीं। एते फरमाया मैनू बाप की कसम है ओदे पुत्र की कसम है। खुदा दसना चाहता है दुनिया वाले ओ अपने बाप की इज्जत करे आ जाएंग अपने बाप की कदर करे आ जाएंग। अर्ज की मेरे बाप का की मकाम है मेरे बाप का की मरतबा है। अल्लाह ने फरमाया मैनू बाप की कसम है पुत्र की कसम है। अल्लाह दसिया दुनिया वाले आप ही पहचान जाओग तेरे बाप की की शान है। ओ रब जिदा बाप भी कोई नहीं जड़ा आप भी बाप कोई नहीं अपने बाप की शान पहचान ले एदा कितना गुमकाम है। रब रब हो गए तेरे बाप दिया कसमां पिया चुकदा अपने बाप की शान पहचान ले रब रब हो के तेरे बाप दिया कसमां पिया चुकदा उस बाप का कितना को मकाम होगा। रब का बाप भी कोई नहीं रब आप भी किसी का बाप कोई नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बाबा ने दिन बाबा वलद फरमाया मैनू बाप की कसम ओदे पुत्र दी कसम उस बाप की कितनी कुछ शान है। रब रब हो के जेडे बाबे दी कसमां पे चुकदा है। हदीसे पाक अगर कदे तुहाडा दिल करे ना वेखा रब राजी है कि नाराज है। लंबिया तस्बियां पढ़ने की लोड़ कोई नहीं चिल्ले कटन की लोड़ कोई नहीं जाके किसी जगह से कोई लंबा चौड़ा इतकाफ भी नहीं करना पैना। रिदा रब्बी फी रिदा इल वालिद वसख्त रब्बी फी सख्त इल वालिद फरमा चुप करके आके बाप का चेहरा वेख ले जे अब्बा राजी है तो अरशां वाला रब भी राजी है। जे बाप राजी है तो अरशां वाला रब भी राजी है। जे बाप रुस गया तो फिर लम्हा है फिक्रिया समझ अरशां वाला रब भी रुस गया। ते आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने के मामरे ते मामरे दे ए मापे मुकदे अते वीर मर कर वेला बाप मरे ते मोहम्मद बख्शा उजड़ जांदा जे मेरा बाप मरे ते मोहम्मद बख्शा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दी बारगाह च ना एक बाबा आया ते आके अर्ज करदा कमली वालिया हुण मैं वडेरा हो गया ते मेरा पुत्र जवान है कमली वालिया किसी चीज नूं हाथ ही नहीं लगान देंदा ते जरा बुला के समझाओ ना। मेरे नबी ने उहदे जवान बेटे नूं बुलाया सरवर कौने ने फरमाया ओए तेरी शिकायत आई है। ते नौजवान अर्ज करदा कमली वालिया वडेरा हो गया ते इहदा ज़हन तवाज़ुन दुरुस्त कोई नहीं चीजा खराब कर देता है। ते कमली वाले इन पता ही नहीं चीज को किस तरह इस्तेमाल करना है तोड़ देता खराब कर देता है। इस वास्ते मैं मना कर देना मां मैं हाथ नहीं लगान देता। रहमत आलम जलाल चाहे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खबरदार फरमाया अंता व मालुक ली अबी का फरमाया याद रख जिमें तू अपने बाप का तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। तेन कोई हक हासिल नहीं कि अपने बाप को किसी चीज तू मना करे जिम्मे तू अपने बाप का तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। सानू पता उदो चलता जो बाबा टुर जाता है जो वालिद टुर जाता है ना सानू शान का उदो पता चलता है। मैं किताब पढ़िया एक नौजवान अपने वडेरे बाप ना पार्क के बैठा तो सामने ट्रेन गुजरी वडेरे बाबे ने पूछा बेटा ए सामने की पे गुजरता है।
नौजवान कहते बाबा ये ट्रेन पे गुजर दी है, रेलगड्डी जा रही है। उन्हें थोड़ा जहा तवक्कुफ करके फिर पूछ लिया, बाबा ए बेटा की है? उन्हें कहे जी रेलगड्डी की। तीसरी फरी वडेरे बाबे ने फिर पूछ लिया कि ए की पिया जाता है? उन्हें कहे तेन समझ नहीं आती कि रेलगड्डी है ट्रेन है। ते वडेरा बाप ते रो पिया रो पिया ते रो के कहन लगा पुत्रा तेनू ते चेता भुल गया, मैनू चंगी तरह याद है जिस वेले तू छोटा से मैं नौजवान सी इसे पार्क दे विच इसे जगह ते बैठे साग सामने एक फुलां वाली क्यारी सी, उन्हां फुलां ते तितली आ गई। तू एक बारी पुछिया बाबा ए सामने की है? मैं दस्या बे पुत्रा तितली है। तू फिर पुछिया मैं फिर दस्या तू फिर पुछिया मैं फिर दस्या ते कह लगा पुत्रा तू एक सौ बारी पुछिया सी मैं मत्था चुम के दरसा रहा अज तीसरी बारी पुछ लिया तेनू गुस्सा आ गया। दुनिया सच्ची आखदी है सच्चा प्यार औलादा दा नहीं होता, सच्चा प्यार मापिया दा होता। अज मैनू पता चल गया कि सच्चा प्यार औलादा दा नहीं होता मापिया दा होता है। ए चंद साल अखबार से ना एक वाकया आया से इस्लामाबाद रावलपिंडी साइड वाल ना एक कोचवान टांगा चलाने वाला ते ओदी मनशा सी कि मैं अपनी औलाद नू पढ़ा के कोई वड्डा अफसर ही बनावांगा। नंबरदार साहब औलाद पढ़ गई एक फौज च ब्रिगेडियर बन गया। उन्हें अपने पिंड वाला ना मकान वेच दिता कि लोग सानू कोचवान दा पुत्र ना आखण। जाके इस्लामाबाद शहर दे विच ना एक बंगला ले लिया ते रहिंदे ने उत्थे। एक दिन ब्रिगेडियर दा यार मिलण वास्ते आया। बाप नू जिस वेले पता चलिया ना कि ब्रिगेडियर दा यार आया है ते नौकर नू कहण लगा खाना लैके तू नहीं जाना? जे ब्रिगेडियर मेरा पुत्र है ते इहदा यार भी मेरा पुत्र ही है ना, अज इहदे पुत्रां वास्ते खाना मैं खुद लैके जावांगा। उन्हें थाल चुक लिया खाने वाला ते जदों ग्रासी पलाट च बैठे ब्रिगेडियर ते उहदे दोस्त दे सामने जाके रखिया ना नौजवानों पेंट फाइव एल दे रहने वाले कुछ उम्र वडेरी सी कुछ धुप्पां च तांगा चला चला के रंग भी काला होया सी कुछ कमर भी झुकी हुई सी कोई चेहरे ते झरियां ते ब्रिगेडियर दे यार ने पूछा ये कौन है ये कौन है? ते ब्रिगेडियर दा हौसला ना पिया के वडेरी जी उम्र ते काले जे ते कमर झुके हुए बाबे नू मैं अपना बाप आखां ते कहन लगा जी ये हमारा नौकर है। इतना कहा ते खश खा के ना बाबा डिग पिया। थोड़ी देर दे बाद उठिया ते कहंदा पुत्रा कसूर तेरा नहीं कसूर मेरा है, काश मैं तेनू दीन दे नाल ऐ दुनिया दे नाल तेनू दीन पढ़ाया होंदा, तेनू अज पता होंदा कि बाप नू नौकर नहीं आखीदा, तेनू पता होंदा कि यही ते मेरी जन्नत है यही ते मेरी जन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दे दीवाने हो याद रखिया जे बाप दा ते रिश्ता ऐसा ओ अजल वाला दिहाड़ा जदों शैतान ने हज़रत आदम अलैहि सलाम नू सजदा ना कीता अल्लाह ने फरमाया शैतान दफाए हो जाओ। आखिरी बात अर्द करे शैतान दफाए हो जाओ। जिस वेले शैतान जान लगया अर्द की रब्बा या अल्लाह मैनू मोहलत दे दे। अल्लाह फरमाया जा दफाए हो जा मोहलत भी ले जा। शैतान मोहलत मिल गई। शैतान कहन लगा रब्बा जिदे वास्ते मैनू जन्नत चू कढ़िया आई इनू जन्नत मैं नहीं जान देवांगा, कदे इनू सजे होया के वरगा ला लवांगा, कदे खबे होया के वरगा ला लवांगा। अर्ज की या अल्लाह मैनू तेरी इज्जत की कसम है इहदे आखरी साह तक इनू वरगा लांदा रवांगा
आग इनू तो जख्म वाले लेके जावांगा। आदम ले सलाम रो पैग अल्लाह फरमाया आदम रो ना अर्ज की थी अल्लाह जिदी औलाद उजड़ जावे ओ बाप रोवे ना ते की करे अर्ज की थी रब्बा मेरी औलाद तो जख्म टुर जावेगी मैं क्यों ना रोवा। अल्लाह फरमाया आदम रो ना अर्ज की थी अल्लाह शैतान मेरी औलाद रो आखिरी सा तक बरगलाता रहेगा।